खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। दर्शकों, क्या कभी आप अपने नेत्रों के बिना इस दुनिया में रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। इसके ख्याल मात्र से ही एक डर पैदा हो जाता है मन में। तो क्या कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके नेत्र पैदा होने के साथ ही अंधकार में डूब जाते हैं? ऐसे लोगों की सहायता करने का सबसे अच्छा उपाय है नेत्रदान, और इसे करने में हमारी हेल्प करते हैं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अशोक भंडारी, ये डीजी ऑफ राजस्थान रह चुके हैं, स्पेशल होम सेक्रेटरी भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी है और आज मैं आपको नेत्रदान के बारे में, जागरूकता के विषय में, इसके बारे में जो मिथ्या विचार हैं लोगों के समझ की कमी के कारण, उन्हें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। नेत्रदान के बारे में लोगों का ये मानना है कि हम अपनी आँखें दे देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, इस अंधविश्वास के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक बहुत गलत अंधविश्वास है जी। सभी अंधविश्वास गलत होते हैं, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार के बाद ये संभव हो गया है कि एक मृत शरीर की नेत्र को निकालकर जिंदा व्यक्ति की अंधता मिटाई जा सकती है। और इस ये डॉक्टर लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो राजस्थान में तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ आंधी तूफान, मिट्टी उड़ना, सूखी मिट्टी होने, सूखे वातावरण के कारण कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अमूमन दिवाली होली के मौक़ों पर ये पटाखों और रंग वगैरह के कारण आँख की बाहर की परत इंजर हो जाती है, तो उसी से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है और उसका उपचार नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया से किया जा सकता है। ये सभी डॉक्टर लोग करते हैं। अंधविश्वास के बारे में आपने पूछा, ये अज्ञानता के कारण है। कई लोगों के कई तरह की अंधविश्वास थे। लोगों को ये भी डर रहता है कि उस शरीर विकृत हो जाएगा, आँख वहाँ से खून निकलता हुआ ले जाएगा, हम दुनिया लोग क्या कहेंगी कि जैसे हमने हमारे मृत शरीर की आँखों को बेचा है। लेकिन हम लोगों को विश्वास में लेकर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि नेत्रदान एक मूलतः लीगल कार्रवाई है, कानून से प्रमाणित कार्रवाई है, डॉक्टरों द्वारा उपयोगी मानी जाने वाली कार्रवाई है। और जैसे डॉक्टर लोग तो जीवित लोगों की सेवा कर लें, हम मृत शरीरों से दो मोती निकाल कर और जीवित व्यक्तियों को रोशनी देने का काम में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस अज्ञानता का क्या आपको नहीं लगता एक ही उपाय है, और वो है जागरूकता? जागरूकता के लिए एक्चुअली आई बैंक सोसाइटी का आधे से ज़्यादा काम जागरूकता कराने का है, क्योंकि कई भ्रांतियां हैं और इसके लिए हम दो तरह से प्रयास करते हैं। एक तो साल भर अस्पतालों में, स्कूलों में, स्कूल कॉलेजों में, सोशल रिलीजियस संस्थाओं में, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, लायंस क्लब, ऐसी संस्थाओं में जाकर नेत्रदान के बारे में समझाते हैं, और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, पुलिस विभाग में, जिनका सब जगह मौजूदगी है, इन लोगों को समझाते हैं। और मेरे ख्याल से इस काम में बहुत सफलता भी मिली है।
उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 अगस्त से 7 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाता है, उसमें हम रैली निकाल कर एनसीसी के लड़कों के साथ, एनसीसी के लड़के लड़कियों के साथ त्रिपोलिया से म्यूज़ियम, रामनिवास बाग म्यूज़ियम तक हमने 3-4 साल तक एनसीसी रैली निकाली। हम नुक्कड़ नाटक और इस तरह के आयोजन करते हैं, मार्मिक कहानियां मनाते हैं। हमारी एक छोटी फिल्म है नेत्रदान की जागरूकता के बारे में। उसके अलावा हम एक मैगजीन निकालते हैं राजस्थान नेत्र ज्योति, और हमारे लीफलेट पैम्फलेट्स इस तरह के हैं जिनको देख, जिनमें विस्तार से लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि नेत्रदान कितना आसानी से हो जाता है। तो ये इस तरह के प्रयास हम साल भर करते ये सब हैं। प्रयास आप अपने स्तर पर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के स्तर पर करते हैं, क्या आपको सरकार से कोई सहायता मिली इस महादान में सहयोग करें? नहीं नहीं, हम सरकार के तो बहुत आभारी हैं, सरकार का पूरा हमको आशीर्वाद और सरकार की पूरी मदद है। बल्कि नेत्र चिकित्सा विभाग, ब्लाइंडनेस सोसाइटी, स्टेट ब्लाइंडनेस सोसाइटी का एक भाग है, और ब्लाइंडनेस सोसाइटी के एक अलग विभाग है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में, उनकी परमिशन से ही हम ये सब काम करते हैं। बल्कि ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, लेकिन हमारा काम चलाने के लिए हमें उनसे कोई हर नेत्र का मानदेय भी मिलता है, और सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी जब हम सरकार का नाम लेके जाते हैं तो हमको एंट्री मिलती है, हमको वहाँ काम करने का मौका मिलता है। सरकार इसके लिए में पूरी तरह से प्रयासरत है। भारत सरकार में भी ब्लाइंडनेस सोसाइटी के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था है जो ट्रेनिंग और उपकरण उपलब्ध कराने में, दूसरी जो डिफिकल्टीज आती है उनको दूर कराने में मदद करती है। लेकिन हम आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर एक ऐसी संस्था है जो किसी नेत्र चिकित्सालय से जुड़ी हुई नहीं है जी। हम एक समाज सेवा से प्रेरित स्वतंत्र काम करते हैं। सब रिटायर्ड लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज की सेवा किसी तरह से करना चाहते हैं। हम लोगों ने मिलकर ये चलाई है, और सरकार, SMS अस्पताल और सारे सरकारी अस्पतालों से हम मदद लेके वहाँ काम करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। क्या आप पहुँचाना चाहते हैं अपने राजनीतिक, व्यावसायिक या निजी करियर को बुलंदियों पर, और TV न्यूज में इंटरव्यू देना नहीं हो पा रहा मुमकिन? तो आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लाया है सोशल मीडिया इंटरव्यू, जहां पर इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ रूम या फिर आपकी अपनी ब्रांडिंग का न्यूज़ रूम में प्रोफेशनल एंकर द्वारा लिया जाएगा इंटरव्यू, और वो भी ऐसे किफ़ायती दामों में जो आप सोच भी नहीं सकते। यही नहीं, इसी प्राइस में इस इंटरव्यू को यूट्यूब पर डालकर उसकी सोशल मीडिया पब्लिसिटी भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, कॉल करें 9001299672 और विजिट करें www.mishimediasolutions.com। जयशिव जी, मैं एक भ्रांति के और बारे में और बात करना चाहूंगी। इस कई बार लोगों के मन में ये आता है कि अगर हम नेत्रदान करते भी हैं तो क्या श्योरिटी है कि हमारी आंखें यूज़ आएंगी कि नहीं आएंगी, वो ख़राब तो नहीं हो जाएंगी? तो फिर एक मरने के बाद तो ये सिचुएशन पैदा हो जाती है कि इंसान को पता ही नहीं रहता कि उसकी आंखों का क्या होने वाला है। अगर एक नेत्रदान कर भी दिया जाता है तो उसके बाद के प्रोसेस के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये एक मिट्टी के ढेर से मोती ढूंढ के निकालने वाली बात है। नेत्रदान मृत्यु उपरांत ही होता है, और जिनका नेत्रदान नहीं होता है उनकी नेत्र भी मिट्टी में जाके मिलते हैं। इस ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है कि 50-60% से ज़्यादा नेत्र काम में नहीं आते हैं, लेकिन 50% नेत्र भी इतने उपयोगी हैं, क्योंकि कॉर्निया, ये जो अपने आँख की सबसे बाहर की झिल्ली है, इसका अब तक साइंस में कोई पर्याय नहीं निकला है, कोई सिलिकॉन या रबर या कोई और किसी चीज़ से नहीं बना है। मतलब कॉर्नियल ब्लाइंडनेस सर्जरी के द्वारा
ह्यूमन कॉर्निया से ही ठीक की जा सकती है। तो अगर हम 50% नेत्र भी काम में ले लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक इसके बारे में दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि नेत्र काम में नहीं आने के बारे में खाली नेत्रदान कराने वाले की जिम्मेवारी नहीं है, मरने वाले के स्वास्थ्य, उनके नेत्र की क्या क्वालिटी थी, अगर उनकी आंखें पहले से ही बहुत खराब थी तो उसका उपयोगिता कम होगी। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अधिकतर लोगों को यह तकलीफ नहीं है। एक मोटे आंकड़े के तौर पे मैं बताऊँ कि देश में हमको करीब 2 लाख नेत्र चाहिए कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए। ये एक भारत सरकार का पता किया हुआ आंकड़ा है, लेकिन साल भर में सारे भारत में करीब 20,000 कॉर्निया काम में आते हैं, करीब 40,000 कॉर्निया मिलते हैं, उनमें से 20,000 काम में आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी कितनी ऊंची चढ़ाई है जी, जो भारत फासला है। अच्छा, आपकी जो आपने अंधविश्वास और अभ्रांति खराब ख्यालों के बारे में बताया, उसके कारण नहीं होता है। श्रीलंका में कानून है कि हर व्यक्ति का नेत्रदान होगा, और भारत में ये शुरू हुआ उसके पहले आंखों के डॉक्टर कॉर्निया श्रीलंका से मंगाते थे। तो ऐसे भी देश हैं जहां हर व्यक्ति का नेत्रदान 100% होता है। यहाँ मृत्यु दर SMS अस्पताल में करीब 11,000 है साल भर में, उनमें से हम मुश्किल से 2,500 कॉर्निया ले पाते हैं साल भर में। तो इतनी अभी तो इतनी ज़रूरत है, अगर अज्ञानता मिटे और सुविधा बढ़े इसमें सरकार प्रयासरत है और कोशिश चल रही है, मुझे विश्वास है सफलता मिलेगी। नेत्रदान एक बड़ा ही नेक काम है, हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारे इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे ये समाज में जो जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है इस गैप को कम करने के लिए, वो बेहद ही ज़रूरी है। हम आपके इस प्रयास के लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं खुद। मेरी दर्शकों से गुजारिश है कि आप भी नेत्रदान के महत्व को समझें और इसे अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी जागरूक करें। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।